नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मेहंदी की खेती के बारे में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैं आज मेहंदी की खेती के बारे में क्यों बता रहा हूं। क्योंकि दुनिया के 100 से भी ज़्यादा देशों के अंदर भारत मेहंदी को एक्सपोर्ट कर रहा है, भेज रहा है। एक बार पौधा लगाने के बाद 100 साल तक दोबारा पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फसल है इसको पानी की यानी सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। ये जो फसल है ये एक साल में 2 बार हार्वेस्ट की जाती है। इसको फर्टिलाइजर्स की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और एक ऐसी फसल है जिसका जो भाव है वो 7,000 से 11,500 के बीच में क्वालिटी के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको पता लग गया होगा कि कुल मिलाकर यह फसल मुनाफे का सौदा है। इसीलिए मैं आज आपको इस फसल यानी मेहंदी की फसल के बारे में बताने जा रहा हूं। बातचीत शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और जल्दी से जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि मेहंदी की खेती कैसे की जाती है। अप्रैल के महीने से लेकर जून के महीने के पहले सप्ताह के बीच में आपको खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है, गहरी जुताई करनी है, पुलाऊ से अच्छे से जुताई कीजिएगा। इसके बाद में खेत को खाली छोड़ दीजिए। फिर क्या करना है, जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में मानसून की जो पहली अच्छी खासी बरसात होती है उसके 2 दिन बाद आपको खेत को अच्छे से जोतना है 2 बार और उसके बाद में फट्टा मारना है और फिर आपको मेहंदी लगा देनी है। अब आप कहेंगे कि मेहंदी को लगाया कैसे जाता है, तो इसकी बिजाई भी की जाती है, इसकी कलम भी लगाई जाती है, इसका पौधारोपण भी किया जाता है। सबसे बेस्ट तरीका है इसका पौधारोपण करना, क्योंकि अगर पौधे लगाएंगे तो जल्दी ग्रोथ करेंगे और बिजाई सबसे घटिया तरीका है, इसके बीज लगाने का ज्यादा फायदा नहीं है। अब रही बात की ये पौधे इसके मिलेंगे कहां से, तो भारत के अंदर एक स्टेट है राजस्थान और राजस्थान के अंदर एक इलाका है सोजत, जहां की मेहंदी बहुत फेमस है, सोजत वाली मेहंदी, और एक है आपका मारवाड़ जंक्शन। इन 2 इलाकों में सबसे ज्यादा मेहंदी का काम है और वहां पर बहुत सारी नर्सरियां भी हैं। उन नर्सरियों से आप इनके पौधे ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इनके पौधे लाने हैं और उन्हें खेत में लगाना है। लगाने के भी 3 तरीके हैं, तीनों अलग अलग हैं, वो आप ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। आप इसके लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 30 सेंटीमीटर इस हिसाब से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तीसरा तरीका है कि लाइन से लाइन की दूरी 5 फिट और पौधे से पौधे की दूरी 2 फिट। ये वो लोग करते हैं जिन्हें इंटरक्रॉप लेना होता है, बीच में मूंग की, ग्वार की, दूसरी फसलें भी लेनी होती है, वो लोग ऐसा काम करते हैं। तो इनमें से तीनों में से जो भी तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, पौधा जो लगाना है वो कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर गहरा आपको उसकी गहराई के अंदर उसे लगाना है और लगाते वक्त बिल्कुल थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब कम से कम पर पौधे में या 1 चम्मच के करीब आपको नीम खली पाउडर भी डालना है ताकि उसमें दीमक वगैरह की शिकायत ना आए। और इसके बाद में पानी लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि आपने पौधे लगाए अभी सिंचाई करो, कोई आवश्यकता नहीं है। पौधे लगा दिए, अच्छे से मिट्टी को दबा दीजिए साइड में और अगर बरसात आती है तो ठीक है, अगर फवारा सिस्टम है तो हल्का सा फवारा चला दीजिए, थोड़ा बहुत गीली हो जाए जमीन, ज़्यादा पानी की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इस साल आपने अगर जुलाई और अगस्त में इसके पौधे लगाए हैं तो अगले साल मार्च के महीने में आपको पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। पहले साल में 1 बार हार्वेस्टिंग मिलती है, उसके बाद में आपको साल में 2 बार हार्वेस्टिंग मिलेगी, अक्टूबर से नवंबर और मार्च का महीना। तो आपको फिर 2 बार हार्वेस्टिंग करना है। हार्वेस्टिंग का सिंपल तरीका है, जमीन से 2 से 3 इंच ऊपर आपको पूरा का पूरा पौधा जो है वो काट लेना है, उसे तरपाल पर सुखा लेना है, यानी बड़ी तिरपाल बिछा के उनके ऊपर सुखा लेना है। पत्ते अलग हो जाएंगे, डालियां अलग हो जाएंगी, डालियों को आप जो है लकड़ी की जगह इस्तेमाल कर लीजिए और पत्ते जो हैं वो आपके बिक जाएंगे। 1 एकड़ भूमि के अंदर लगभग 5 से 6 क्विंटल के बीच में पत्ते निकल जाते हैं मेहंदी जब अच्छे से ग्रोथ कर जाती है तो,
यानी दूसरी हार्वेस्टिंग के दौरान। पहली हार्वेस्टिंग में थोड़ा जो है यील्ड है वो कम रहेगा। अब इन पत्तों को आपको बाजार में लेके जाना है, क्वालिटी के आधार पे 7,000 रुपए से लेके 11,500-12,000 रुपए तक इनका भाव मिल जाता है। एक बात ध्यान रहे, आपके पास अगर नहर की बारी है यानी पानी फालतू है सिंचाई के लिए तो भी इसके अंदर पानी ना लगाएं, क्योंकि जितना पानी आप इसमें लगाएंगे उतना क्वालिटी डाउन होगी, क्योंकि मेहंदी का जो रंग है ना वो उतना चोखा नहीं चढ़ेगा अगर उसके अंदर आपने ज़्यादा बार सिंचाई कर दी। तो इसीलिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं, बस आपको नॉर्मल खेती करनी है इसकी, सूखे में इसकी खेती करनी है। अगर किसान भाई केवल पत्तियां बेचते हैं तो उनको अगर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल एवरेज बिक जाती है तो 5 क्विंटल भी अगर कम से कम हो तो भी 50,000 की हो गई, ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कमाई और बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ग्राइंड करने वाली मशीनें आती हैं वो लाकर घर पे एक छोटा सा सेटअप चला सकते हैं और मेहंदी के पैकेट पैक करके वो बेच सकते हैं। उसमें आपका लगभग 200 रुपये प्रति किलो भी पैकेट चला जाए तो भी आप ये समझ लीजिए कि आपकी कमाई पर क्विंटल 20,000 जो है 20,000 रुपये हो जाएगी, तो उससे आपकी कमाई दोगुनी हो सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसमें मार्केटिंग का और थोड़े झंझट भी रहते हैं। खैर दोस्तों, आपको और भी बहुत सारी वीडियो यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, वो ज़रूर देखिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पूरे भारत के कोई भी किसान अगर कम से कम घर पे इस्तेमाल करने के लिए तो मेहंदी का पौधा लगा ही सकते हैं, और राजस्थान के किसान तो इसकी खेती बंपर तरीके से कर सकते हैं। देखते रहिए ABC इंडिया।